हम लोग वी बिकम मच मोर थोड़ा कॉशियस अबाउट हम क्या रिलीज करते हैं और क्या नहीं करते हैं, तो इसलिए परसेंटेजेस वाइज 200 कॉल में से चार रिपोर्ट निकलती है, बाकी कंटेंट हमारे पास है, रखा हुआ है, इट्स देयर, इट्स इन आर्काइव्स। अब ये चाहिए कि कोई उसको सुने और ये समझे कि उसे क्या कर सकते हैं, एंड दैट्स अ मैन पावर इशू। तो अब हम लोग इसके आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना कंटेंट हमारे पास चार सर्वर्स से आता है वो सारा हम ईमेल पे एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एवरीथिंग गोज इनटू अ जीमेल इनबॉक्स, एक्चुअली फोर डिफरेंट इनबॉक्सेस, और जो लोकल मॉडरेटर्स हैं वो उस इनबॉक्स से वो कंटेंट किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं, दूसरे मॉडरेटर्स वॉलंटियर्स हमारे पास में है जो ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। और ईमेल जो है वो काफी सिंपल सिस्टम है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स हाउ टू यूज ईमेल, तो जो लोग बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं भी हैं, ट्रेन नहीं भी हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द कंटेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। दैट्स द आंसर टू हाउ डू यू सॉल्व दिस इन टेक्नोलॉजी, बट इन टर्म्स ऑफ एथिक्स इट्स रियली ऑन यू, यू हैव टू फिगर आउट व्हाट योर एजेंडा इज, व्हिच इज व्हाई वी सेड दैट कम्युनिटीज हैव टू ओन दिस। आप लोगों को खुद लेके जाना पड़ेगा, खुद लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको नहीं कह सकते कि क्या कंटेंट आपको ब्रॉडकास्ट करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दैट यू शुड बी क्लियर, एंड यू शुड ब्रॉडकास्ट व्हाटएवर इट इज दैट यू फील कंफर्टेबल टू ब्रॉडकास्ट एंड डिफेंड। हमारे पास में अभी तक बिकॉज बैंडविड्थ नहीं है, तो हम लोग अपना एक एक्सपीरियंस बेस्ड एडिटोरियल पॉलिसी चलाते हैं, विच इज नॉट वेरी डेमोक्रेटिक, बट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट। सो दैट्स द आंसर टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डू पीपल नो वेदर टू रिकॉर्ड टू लिसन, तो दैट्स द प्रॉम्प्ट, वो जब फोन करते हैं तो इनफैक्ट विल प्रॉब्ली प्ले इट फॉर यू। वो बोलता है कि सीजी नेट स्वर में आपका स्वागत है, अपना संदेश रिकॉर्ड करने के लिए एक दबाएं, संदेश सुनने के लिए दो दबाएं। अगर आप एक दबाते हैं तो वो एक प्रॉम्प्ट आपको और देगा कि बीप के बाद रिकॉर्ड करना शुरू करें, जैसे आंसरिंग मशीन में होता है, आप फिर 3 मिनट रिकॉर्ड करिए और रख दीजिए। दो दबाएंगे तो आपको जो लेटेस्ट 4 मैसेज हैं वो सीक्वेंस में बचते हैं, देन यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट वन इफ यू नीड टू। दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द आईडीआर। ये कवर योर क्वेश्चन। तो ये तो अभी तक का हिस्ट्री हो गया। आई थिंक आई एम जस्ट अबाउट हाफ वे थ्रू माई सेशन, सो वेयर। तो अभी तो हम इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ से हमने शुरू किया था, अब हम जो बातचीत हमारी चल रही है वो उसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ, दिस शुड बी अ लिटिल मोर इलस्ट्रेटिव। जो छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ था, अब हमको जो खबरें आती हैं वो इन जगहों के बारे में बात कर रही है। सो ये आप देख सकते हैं कि डेंसिटी सबसे ज्यादा यहीं पे है, एंड बट वी ऑल्सो हैव थिंग्स फ्रॉम एज़ फार एज़ असम, और असम की खबर काफी इंटरेस्टिंग है। असम की खबर नहीं है, असम कोई गया था छत्तीसगढ़ से और उसने असम के बारे में बात करी है, विच वी पिक्ड अप इन द टैग्स, एंड दैट्स व्हाई इट्स अप देयर ऑन द बोर्ड, बट यू कैन प्रीटी मच क्लिक ऑन दिस एंड गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग इन एवरी सिंगल एरिया एंड सी क्या चल रहा है वहां पे। ये बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ये गूगल के टूल्स हैं, सारे फ्री हैं। इसके लिए मैंने सिर्फ एक्सेल इस्तेमाल किया है, कुछ भी खास नहीं है, एक एक्सेल इस्तेमाल किया और उसको अपलोड किया है, नथिंग एल्स। तो अगर आप लोगों के पास में बेसिक डेटा अगर है तो आप भी इस तरह से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। थोड़े से नंबर्स देख लेते हैं। ये हमारी यूजर्स की इंटेंसिटी मैप है, सबसे ज्यादा लोग आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ही है। If you notice, ये मध्य प्रदेश जो है ये पुराने वाले मध्य प्रदेश की दिख रहा है। Anybody know why that is? मध्य प्रदेश का जो मैप है ये पुराने मध्य प्रदेश की तरह दिख रहा है। Any reason why that is? वो दोनों जगह बराबर इसलिए है क्योंकि वो एक टेलीकॉम सर्कल है। हम लोग टेलीकॉम सर्कल्स इज व्हाट वी यूज एज आवर ज्योग्राफिक रीजन, बिकॉज लोकल कॉल जो होता है वो टेलीकॉम सर्कल पे काम करता है। तो झारखंड और बिहार इज द सेम थिंग, आंध्रा इज इंडिपेंडेंट वन, ओडिशा इज इंडिपेंडेंट वन, बट छत्तीसगढ़ एंड एमपी आर आल्सो द सेम थिंग। सो दिस इज द यूजर इंटेंसिटी। अभी आप देख रहे हैं एमपी छत्तीसगढ़ तो भरा हुआ है, बट वी आर आल्सो स्टार्टिंग टू शो सम सीरियस ट्रैक्शन इन झारखंड एंड बिहार। तो जब से वहां पे सर्वर लगा तब से वहां भी कॉल आने शुरू हो गए ज्यादा, एंड ओडिशा इज द नेक्स्ट वन। तो ओडिशा में से खबरें अभी भी कम आती हैं, क्योंकि ओडिशा से अधिकतर खबरें आती हैं ओडिया में, जो हमको बोलनी आती नहीं है और हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स नहीं हैं जो ये बोल पाते। सो वी गेट फ्यूअर रिपोर्ट्स फ्रॉम ओडिशा, बट दैट्स द रफ इंटेंसिटी। गुड़गांव से एक बार आई है एक्चुअली, इन द एंटायर कोर्स ऑफ सीजीनेट हिस्ट्री आई गॉट वन रिपोर्ट फ्रॉम गुड़गांव।
बट दिल्ली से आती रहती हैं काफी, दिल्ली से आती हैं, कानपुर से कई कई खबरें आती हैं हमारे पास में। नैकडोर के जो लोग कानपुर में हैं वो काफी रिपोर्ट करते हैं इस पर। दिस इज द कॉल नंबर्स एंड वी कैन टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस। आप ये देख रहे हैं कि इसकी इंटेंसिटी जो है ये यहां तक बढ़ रही है, यहां पे ड्रॉप हो गई, फिर थोड़ी बड़ी, फिर ड्रॉप हो गई, फिर थोड़ी बड़ी, और मेरे ख्याल से फिर ड्रॉप हो गई अभी। Any guesses on why this is like this? Is that month? That's by month. Is that something to do with migration or something? Actually, no. This is, well, it's got to do with migration, but it's not migration of the users, it's migration of the team. जब हमारी मॉडरेशन की टीम फील्ड में होती है या इंटरनेट से दूर होती है उसके अगले महीने कॉल कम हो जाते हैं। बिकॉज वन ऑफ द की थिंग्स दैट ड्राइव्स दिस प्लेटफॉर्म, दिस मीडियम, दिस पैराडाइम, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इज इम्पैक्ट। टू वे कम्युनिकेशन मीडियम होने का फायदा, मोबाइल फोन इज अ टू वे कम्युनिकेशन मीडियम, आप बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये टू वे होने का सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आप इससे इम्पैक्ट जनरेट कर सकते हैं, और इम्पैक्ट जब जनरेट होता है तो आप कंफर्म कर सकते हैं कि वो इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि जिसने आपको फोन किया था वापस फोन करेगा और बोलेगा कुछ इम्पैक्ट हुआ है। इफ यू ट्रेन देम दैट वे, आई विल प्ले अ शॉर्ट स्टोरी फॉर यू। नमस्कार, मैं नाम इंटरनेट के द्वारा डीडी से रिपोर्ट हुआ जो यहाँ का सलाह करता है कि वो बात की तो कहने लगी कि सबसे कम निकास मोबाइल नंबर दो, ये हेल्पलाइन है, ये कोई डायरेक्ट सरकार जो हेल्पलाइन है, इसमें जब तक कोई किसी प्रकार का मोबाइल नंबर या ईमेल नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैं दीदी से बोली बोला और बोलने के पश्चात एक फोन नंबर भी दिया, फोन नंबर आज ही मेरे पास है और उस फोन नंबर को मैं भी बता रहा हूँ। वो फोन नंबर है मेरा, ये जीवन लेवल का नंबर है, खबर था जीवन लेवल में भी हम एक आवेदन किए जिसका आज तक कोई जवाब नहीं हुआ। वो नंबर ये है कि 07741232133, इसी नंबर के द्वारा आप ब्लॉक स्तर में भी संपर्क कर सकते हैं। जीवन लेवल में फोन कीजिए, सजन खार गाँव में जो छत्तीसगढ़ में है, कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में। तो जब हेम सिंह जी ने हमको पहली बार फोन किया था तो उन्होंने सिर्फ गालियां दी थी। दिस पर्सन व्हेन ही कॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने सिर्फ गालियां दी थी। He called and said कि मेरे गांव में जो हैंडपंप वाले लोग हैं वो चोर हैं, वो चक्के हैं, ये है वो है, और कुछ उसके कुछ कहा नहीं, सिर्फ गालियां देकर छोड़ दिया। He called him back, he said कि आप जो बोल रहे हैं वो वैलिड है, लेकिन आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा टोन डाउन करके ऐसे बोलें कि लोग इस पर कुछ कर सकें। तो अगर आपने सुना वो पहले भी बता रहे थे कि मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने मुझे बताया कि ये हेल्पलाइन है, ये और वो, तो फिर उन्होंने फाइनली क्या किया है, एक नंबर दिया है इसमें। द नंबर दैट ही इज टॉकिंग अबाउट इज़ फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये नंबर उन्होंने वहाँ रिलीज किया, फिर ये खबर गई फेसबुक पे, ईमेल लिस्ट पे, मॉडरेटर्स ने खुद भी फ़ोन किए। वी डू अ लॉट ऑफ फोन कॉलिंग, हम लोग खुद लोगों को फ़ोन लगाते हैं, लोगों से बोलते हैं कि आप फ़ोन लगाइए, और फाइनली वो हैंडपम्प जो था वो लग गया। और उसके बाद हिंदी जी ने एक और खबर रिकॉर्ड करी एंड दैट्स दिस वन। आज मैं इसी मैसेज के द्वारा एक ऐसे खबर बताना चाहता हूँ मेरे उसके बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मोर गाँव पानी नहीं रही से पानी के बिना जानवर आदमी की सब तरफ गई है। इस इसी इंटरनेट के द्वारा मैं एक संदेश छाया हूँ, मोर गाँव मगन शिखर के एक हेल्पम मिला। अब जितना इंटरनेट के श्रोता हो कौन कौन मोर हेल्प करे हो या आप मन जानो, लेकिन सबके सब मिला के उन्हें ऐसे फायदा हुई जैसा सुन के आपको ज़्यादा खुशी हुई। अब मैं चाहता हूँ ऐसी खुशी इसका खुशी आज हो रहा है, उसने खुशी समझन हो रहा है। 15 दिन 25 मोर गाँव में। सो This is Hem Singh ji telling us that he's got his handpump sorted. He doesn't know who's helped him out to do this, but he is thanking everybody ki aap logon ne meri madad kari. Hem Singh Markam is a polio patient. He carries a crutch around.
एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट ही इज keen on starting a handicapped people's association in his village, and now he's helping a guy who's an illegal immigrant from Pakistan to get his papers sorted and go back. So that's the overall impact. The hand pump is just the initial impact. That's just the problem that got solved. Uske baad jo Hem Singh ka jo turnaround hai, that is the real impact. Because uske baad Hem Singh is not calling me anymore and cursing on the phone. He's actually doing something productive. So this is the kind of impact you can cause with a two-way communication medium. क्योंकि जब आप ये खबर छोड़ते हैं वो immediately available हो जाती है लोगों के पास उसके बारे में कुछ करने के लिए. एक और ऐसे ही केस है, किसी लेबरर की बॉडी फंसी हुई थी हॉस्पिटल में, 30,000 रुपये मांग रहे थे, वो किसी ने रिकॉर्ड किया, उसी दिन एक घंटे के बाद वो रिलीज हुई खबर, उसके दो घंटे के बाद ट्विटर पे गई, ट्विटर पे हेल्थ मिनिस्टर ने उसको देखा और चार घंटे के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी. वो वापस फोन गया हॉस्पिटल में, 30,000 रुपये वापस हुए और 30,000 का मुआवजा और मिला उनको. सो दैट्स द काइंड ऑफ स्पीड एट विच यू कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स. पीपल कॉल इन, 4 hours लेटर दे हैव अ सॉल्यूशन. ये इतनी स्पीड पे काम करना में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पीपल, लोग. आपके पास अगर लोग नहीं है, टाइम नहीं है, that's going to be impossible. और जैसे जैसे अगर आप जिस जिस दिन आपकी impact कम होती जाएगी उस दिन आपके call rates drop करते जाएंगे, कि जिस दिन आपका impact रुक गया उस दिन आपका मतलब किसी काम का नहीं है. टोल फ्री लाइन्स बहुत हैं, हेल्प लाइन्स बहुत सारी हैं, they will not call you, they will call somebody else. So that's where the key challenge in this is, कि you have to maintain an impact at all times. And this is a graph of our calls by day. थोड़ा सा हिला हुआ लग रहा है लेकिन यू कैन स्टिल सी. ये जो पीक है इस दिन कुछ खास हुआ था, June 24, 2012. इस दिन हमको 953 कॉल्स मिले. एवरेज पे हमको मिलती है 200, 300, 200, 200, 200. इस दिन 953 कॉल. एनी आइडियाज व्हाई दिस वुड हैव हैपेंड? 24 जून. The only thing that happened was that somebody put the CGNet Swara number in Patrika. Ek din wo paper mein number aaya, us din 1000 call hai. That's what happens when you open this up to broadcast advertising. But the moment you put it out as a public line, your call volume will shoot up. In 953 mein se humne shayad 10-15 release kiye honge. Because there was just no way to go through the entire 1000 call routine, listen to all 3 minutes of audio, identify the issue, transcribe it, and then put it out in a way that actually generates impact. From a data sourcing standpoint, sure, I can extract, I mean, all those numbers have contributed to my chart here. They've also contributed to the intensity graph on the previous pages. But they haven't done anything in terms of impact. Because wo 1000 call aaye, lekin sunega kaun? Usko follow up kaun karega? Who's making sure that each of those cases gets dealt with? Isme se kahi calls aise bhi the jo sirf log gaana ga rahe the. And we release a lot of those also. Hum gaane bhi bahut release karte hain, kavitaen bhi khub release karte hain, opinions bhi bahut release karte hain. So that's all, a lot of that also goes out. But wo jitna content aaya, उसकी एक एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, टू अंडरस्टैंड whether इट्स अ गुड पीस ऑफ कंटेंट और अ बैड पीस ऑफ कंटेंट, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल टू डू दैट इन वन डे अनलेस यू हैव एन आर्मी ऑफ पीपल सिटिंग ओवर देयर, 3 or 4, 5, 6, 7 पीपल सिटिंग ओवर देयर लिसनिंग टू दीज मैसेजेस, ट्रांसक्राइबिंग देम, देन यू कैन पुल दैट ऑफ. और यू हैव अ वॉइस रिकॉग्निशन टूल दैट कन्वर्ट्स इनटू टेक्स्ट, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है. हिंदुस्तानी भाषा के लिए वॉइस रिकॉग्निशन अभी तक परफेक्ट नहीं हुई है. क्योंकि जब आपके पास किसी का फोन आता है, बिल्कुल, तो उनका और मुझे जो है तो वो मेरे साथ वो मतलब ये जुड़ गया है, तो बाद में भी वो कॉल करते रहे, उसका थोड़ा बहुत डिक्रीज होगा. एक दरअसल एसएमएस से बहुत फायदा होता है. हम लोगों ने एसएमएस की एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट करी थी लास्ट मंथ, बहुत ज्यादा फायदा होता है. जो लोग आते हैं, इट्स अ वेरी गुड वे टू रिटेन यूजरशिप. एसएमएस में अगेन वही चैलेंज है, कॉस्टिंग. एसएमएस अब फ्री नहीं रह गया है, एक जमाने में एसएमएस फ्री हुआ करता था, अब एसएमएस फ्री नहीं है. सो इट्स एटलीस्ट 50 पैसे और 1 पैसे और समथिंग, देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे फॉर एन एसएमएस. तो जब आप 20 लोगों की बात कर रहे हैं या 40 लोगों की बात कर रहे हैं तब कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब 8,000, 20,000, 10,000 लोगों की बात करते हैं तो वो एसएमएस कॉस्ट भी काफ़ी हाई जाता है. तो आप कैसे उसको अमोर्टाइज करेंगे, कैसे सस्ता करेंगे, वो सोचने की चीज़ है.
श्योर मेनी मेनी वेज ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम देयर इज नो क्वेश्चन बट दैट इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम क्योंकि अगर आप इंटरनेट से भी एसएमएस भेजते हैं तो फिर आप डीएनडी वाले इश्यूज में आ जाते हो. डीएनडी वाला जो इशू है वो कमर्शियल आदमी के लिए उतना इशू नहीं है लेकिन जो कॉन्ट्रोवर्शियल खबर बाहर छोड़ रहा है वो अगर डीएनडी वायलेट करेगा तो हमको सबसे पहले जेल में डालेंगे. तो इसलिए हम वो ऑप्शन नहीं यूज कर सकते. That's right. That वो तो एक बड़ा it's a big nightmare situation. The why is all set up here. मतलब why do we do this is because of that reason. You don't want to release people's information. I mean, Century of Self is a BBC documentary. 4 घंटे की documentary है. 4 documentary तो नहीं है, 1 घंटे की. जरूर देखें, सब देखें. It's very interesting. It tells you what advertising is. The Century of Self. इट टॉक्स अबाउट कि सिगमंड फ्रॉयड के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कमर्शियल एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने किस तरह से लोगों को टोपी पहनाई है. उसके बारे में 4 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूर देखें. तो दिस इज रियली द रीजन फॉर ऑल दिस कि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल प्रोवाइडर पे डिपेंडेंट हैं तो आप डिपेंडेंट हैं, उसका कोई दूसरा काट नहीं है. जिस दिन उसको वो डब्बा बंद करना होगा वो बंद कर देगा. इसको प्रिवेंट करने के लिए अब हम लोग दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हैं. यहाँ पे आई विल जस्ट क्लोज दिस डाउन एंड वी कैन ओपन इट अप टू